हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऊन से बनने वाली ये तोरण का फुल ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। आई होप आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए बेल्ट बनाएंगे, यानी कि तोरण पट्टी बनाना स्टार्ट करेंगे। तोरण पट्टी बनाने के लिए मैंने 4-ply की व्हाइट कलर की ऊन ली है और 11 नंबर का क्रोशिया लिया है। और सबसे पहले हम बेसिक चेन बनाएंगे। 1x1 करके हम 17 यानी कि 17 चेन बनाकर रेडी करेंगे। सत्रह चेन बनाने के बाद 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे और उसके बाद हम सभी फंदों पर यानी कि सभी चेन के ऊपर 1x1 करते हुए हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से फंदे को क्रोशिया के ऊपर लपेटना है, फिर उस जो हमने चेन बनाई थी उनमें निकाल देना है क्रोशिया को और फिर से ऊन को लपेट लेना है और इसमें से क्रॉस करके नोट लगा देनी है। इस तरीके से हम 1x1 करके 17 डबल क्रोशिया बना लेंगे और उसके बाद इसको दूसरी साइड में करने के बाद जो ये हमने डबल क्रोशिया की पट्टी बनाई है यानी कि हमारी तोरण की जो स्टार्टिंग है, उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और 3 फंदों के ऊपर 1x1 करके हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया हमारी चेन है जो वो हो जाएगा और उसके बाद 3 डबल क्रोशिया ये हम यहाँ पे बना लेंगे और उसके बाद 2 चेन बनाएंगे। एक साइड में हमारे ये 4 डबल क्रोशिया इसी तरीके से कंप्लीट पट्टी में चलेंगे। उसके बाद हम 5 फंदों को गिन के 6 वाले में छठे वाले में हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। सिक्स वाले फंदे में एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और फिर से उसी फंदे में हम 5 एक्स्ट्रा बनाएंगे, यानी कि 5 डबल क्रोशिया हम इसी में बनाते जाएंगे और एक बूटी बनाकर हम रेडी कर लेंगे। 6 वाले फंदे में ही बनाना है, पहले एक डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन बनाएंगे और फिर 5 1x1 करके डबल क्रोशिया। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन और उसके बाद 5 फंदे छोड़ के फिर से यानी कि 4 फंदे बच जाएंगे, उनमें 1x1 करके हम 4 डबल क्रोशिया एक साथ बना देंगे। ये देखिए, 1x1 करते हुए सभी फंदों में एक एक करके एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और यही प्रोसेस हमारी कंप्लीट पट्टी में चलेगा। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, उसके बाद 3 डबल क्रोशिया इनमें फंदों में 1x1 करके बनाएंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे और उसके बाद हम जिसमें हमने एक चेन छोड़ी थी उसमें यानी कि एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमने एक चेन छोड़ी थी उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक और फिर से हम एक चेन छोड़ेंगे और उसी में 5 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यही प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे। Thank you.
ये देखिए इस तरीके से हमारी तोरण पट्टी बनके रेडी हो जाएगी। उसके बाद हम इस तरीके के 8 पार्ट वाले रेड कलर के फ्लावर बनाएंगे। जो ये रेड कलर की ऊन है ये 2 प्लाई की है, इसको हम डबल कर लेंगे और इस तरीके से वो व्हाइट ऊन के इक्वल हो जाएगी। स्टार्टिंग में हम 16 यानी के 16 चेन बनाएंगे। सोलह चेन बनाने के बाद हम नेक्स्ट राउंड में सिंपल क्रोशिया की स्टार्टिंग करेंगे और इन चेन में 1 by 1 करके हम 16 सिंपल क्रोशिया बना लेंगे और ये नेक्स्ट राउंड हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट राउंड में हम 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद हम एक फंदा छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले में हम इसमें सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इस 4 चेन को हम इसमें जॉइंट करने के बाद फिर से 4 चेन बनाएंगे और फिर से एक फंदा छोड़कर हम नेक्स्ट वाले में इसको सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। यही प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे 8 होल हम इस तरीके से बना लेंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट राउंड में स्टार्टिंग में इस होल में एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हम 4 डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे और फिर एक सिंपल क्रोशिया। यही प्रोसेस हम कंप्लीट इन जो ये हमने 8 होल बनाए हैं इनमें बनाएंगे और इस फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। याद रखिए सबसे पहले एक सिंपल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर एक सिंपल क्रोशिया। इस तरीके से हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा और इसके फर्स्ट और लास्ट वाले पार्ट को हम सुई धागे से स्टिच कर देंगे और इस तरीके के 5 फ्लावर बनाकर हम रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम तोरण पट्टी को 5 भागों में डिवाइड कर लेंगे इक्वली और निशान लगा लीजिए या फिर आप खुद देख लीजिए कि 5 पार्ट आपको कितने और किस तरीके से लेने हैं और इन 5 पार्टों के बीच में हम एक एक फ्लावर बिल्कुल बीच में सुई धागे से स्टिच कर देंगे।
पट्टी के ऊपर हम व्हाइट कलर की ऊन इस तरीके से जॉइंट करेंगे और अच्छे से नोट लगाकर हम इस नेक्स्ट राउंड को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम दो चेन बनाएंगे। दो चेन बनाने के बाद हम तीसरे फंदे को इस तरीके से बड़ा रखेंगे और उसके बाद ऊन को इस तरीके से क्रॉस करते हुए, ये देखिए उतना ही ऊन रखेंगे यहाँ पे, और इसी तरीके से 4 टाइम हम इसमें क्रॉस करेंगे। हर बार हम पहले भी और बाद में भी क्रोशिए के ऊपर ऊन को रैप करते जाएंगे और इस तरीके से ऊन को उठाते जाएंगे और ये बूटी हम यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से हम झालर बनाते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे क्रोशिए को चलाना है और उसके बाद हम एक सिंपल क्रोशिया से इन सभी को जॉइंट कर देंगे और फिर से दो चेन बना लेंगे। दो चेन बनाने के बाद ही रेड कलर के फ्लावर पर हम सिंपल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे। स्टार्टिंग में हम एक यहाँ पे बूटी बनाएंगे और उसके बाद सेम इसी तरीके से दो बूटी बनाएंगे। दो बूटी बनाने के बाद फिर से हम नेक्स्ट वाले पार्ट पर, यानी कि जो फ्लावर का ये राउंड पार्ट है इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में इसको जॉइंट कर देंगे। दो बूटी बनाने के बाद ही जॉइंट करना है और फर्स्ट और लास्ट वाला एक एक बनाएंगे और बीच वाले हम दो दो बनाएंगे। व्हाइट वाले पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हम रेड ऊन को इसमें जॉइंट करेंगे और उसके बाद हम 6 चेन बनाएंगे। 6 चेन बनाने के बाद हम जिस सिंपल क्रोशिया से हमने व्हाइट को रेड से जॉइंट किया है उसी में हम सिंपल क्रोशिया से इसको भी, यानी कि 6 चेन को भी इसमें जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इसको जॉइंट करने के बाद हम ऊन को 1 इंच का, यानी कि जितनी ये 6 चेन है उसके इक्वली हम ऊन को बड़ा करेंगे, यानी कि जो हमारा क्रोशिए में फंदा है उसको बड़ा करेंगे और चेन में से निकालते हुए इसको चेन के साथ जॉइंट कर लेंगे और 1 बाय 1 करके 6 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना के रेडी करेंगे। ये
एक नोट में हम ऊन को बड़ा रखेंगे, यानी कि ऊन को खींचकर नोट को बड़ा रखना है और उसके बाद हम नोट लगाएंगे। छह नोट बनाने के बाद यानी कि छह डबल क्रोशिया बनाने के बाद दो चेन बनाएंगे और उसको नेक्स्ट वाली दो बूटी के बीचों बीच ज्वाइंट कर देंगे और यही बूटियां हम सेम नेक्स्ट वाली में बनाएंगे, छह चेन बनाएंगे और इसको इस क्रोशिया में हम ज्वाइंट कर देंगे। रेड बूटियों वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद हम फिर से सेम इसी तरीके से वाइट वाली उनको अटैच करेंगे और सेम इसी तरीके से झालर बनाकर ये डिजाइन ऐसा ही बनाएंगे जैसा हमने वाइट का बनाया है और उसके बाद फिर से हम रेड का बनाएंगे। सबसे पहले हम रेड फ्लावर ज्वाइंट करेंगे, फिर वाइट ऊन, फिर रेड, फिर वाइट ऊन, फिर रेड ऊन और इस तरीके से ये वाली डिज़ाइन हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे और ये पांच फ्लावर हम इसमें बना लेंगे और उसके बाद हम झालर बनाएंगे इनके बीचों बीच और एक वाइट कलर का बॉल। सबसे पहले हम तीन फिंगर के ऊपर वूलन को अच्छे से 60 टाइम यानी कि 60 बार इस तरीके से रैप करेंगे और उसके बाद हम बीचों बीच इसके नोट लगाकर दोनों साइड से कट कर लेंगे और ऊन को इक्वल करके बॉल को तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम रेड कलर की वूलन यहाँ पे अटैच करेंगे और सेम इसी तरीके से फोर झालर हम यहाँ पे बनाएंगे और झालर बनाने के बाद जो हमने वाइट फ्लावर बनाया है उसको इसके नीचे सुई धागे से ज्वाइंट कर देंगे। इसके बाद हमारी वूलन तोरण बनके रेडी हो जाएगी। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।